बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस गीतकार इब्राहिम अश्क का रविवार के दिन कोरोना के चलते निधन हो गया। बता दें कि इब्राहिम अश्क भी कोरोना जैसी बीमारी और निमोनिया से जूझ रहे थे। बता दें कि इस बात की जानकारी इब्राहिम अश्क की बेटी ने दी। बता दें कि इब्राहिम अश्क 70 साल के थे और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इब्राहिम अश्क को कहो ना प्यार है और कोई मिल गया जैसी फिल्म्स की गाने लिखने के लिए जाना जाता है। उनकी बेटी मुस्तफा ने बताया कि सांस फूलने की शिकायत के बाद शनिवार को इब्राहिम अश्क को शहर की मेडिटेक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बेटी ने बताया कि उनके पिता को कोविड और निमोनिया था, जिसके चलते उनके लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। और ये भी बताया कि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी और शाम को लगभग 4 बजे उनका निधन हो गया। इसी के साथ ये भी बताया गया कि इब्राहिम अश्क का अंतिम संस्कार सोमवार की सुबह यानी कि आज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जन्मे इब्राहिम अश्क ने सन 1974 में इंदौर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य के ग्रेजुएशन किया था और उर्दू भाषा के वो कवि थे। उन्होंने बाद में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया था। एक गीतकार के रूप में उन्होंने बॉलीवुड में कई लोकप्रिय संगीत दिए, जैसे कि कहो ना प्यार है, ना तुम जानो ना हम, कोई मिल गया, इधर चला मैं उधर चला, आप मुझे अच्छे लगने लगे, जैसे सुपरहिट गीत शामिल है। बता दें कि इब्राहिम अश के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी मुसफ्फा और इसके अलावा दो और बेटियां शामिल है। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।